Assalamu alaikum friends, welcome to the new video of new lecture, that is lecture number 10. In this lecture we are going to see to link different web pages in HTML file. HTML file के अंदर हम लोग मुख्तलिफ web pages, अगर हम लोग चाहते हैं कि एक web page के ऊपर क्लिक करने से हम लोग दूसरे web page के ऊपर चले जाएं तो वो किस तरह करते हैं वो सीखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि transfer website folder to different devices. अगर आप लोगों ने एक device के अंदर HTML के ऊपर web pages बनाए हैं, website बनाई है, तो उसको अगर आप लोग दूसरी device के अंदर transfer करना चाह रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि इस फोल्डर को आप लोग शेयर करें किसी और फोल्डर में, तो आप लोग किस तरह कर सकते हैं. या फिर शेयरिंग वेबसाइट फोल्डर विद अदर्स, अगर वही फोल्डर आप लोग दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो किस तरह शेयर करेंगे. अब जिस तरह आप लोगों के मैसेजेस आए और ईमेल्स वसूल हुए तो उसी पर मैंने ये वीडियो बनाई है. तो इस लेक्चर में हम ये टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे. तो सबसे पहले हम लोग अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लेंगे. तो जनाब VS कोड एडिटर पर हम लोग आ चुके हैं. अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर शुरू से शुरू करेंगे, मतलब जिस तरह हम फोल्डर बनाते हैं फिर उसके अंदर वर्किंग करते हैं, HTML की फाइल बनाते हैं और सारी वर्किंग हम एक फोल्डर के अंदर करते हैं. तो फिर स्टार्ट करते हैं. फोल्डर क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं. यहाँ पर आप लोग फाइल में चले जाएं, ओपन फोल्डर पर क्लिक करें और यहाँ पर आप लोगों के पास विंडो आ जाएगी. अब यहाँ पर कंप्यूटर में आप लोग जहां पर भी न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लोकल डिस्क ई में आ गया हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर न्यू फोल्डर का बटन नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का न्यू फोल्डर देखें यहाँ पर क्रिएट हो गया है. एक और तरीका भी है, इसको यहाँ से अगर मैं डिलीट कर दूं और वापस चला जाऊं, आपने अपने कंप्यूटर के अंदर चले जाना है, अपने डिवाइस के अंदर जाकर लोकल डिस्क ई के अंदर आकर जहां पर भी यहाँ पर आप लोग फोल्डर बनाना चाहें वहां पर आप लोग न्यू फोल्डर बना देंगे. न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे और फोल्डर को कोई भी नाम दे दें आप लोग. मैं यहाँ पे इसको लेक्चर 10 नाम दे देता हूँ इस फोल्डर को. ये फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है, अब इस वक्त ये फोल्डर खाली है, इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से. तो यहाँ से इस फोल्डर को ओपन करने के लिए ओपन फोल्डर में चले जाएंगे. ओपन फोल्डर में जाएंगे तो ई में जाने के बाद यहाँ पर ये फोल्डर जो हमने बनाया था ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, इसके अंदर नहीं जाना है, इस पर क्लिक करके सिलेक्ट फोल्डर कर लेना है. तो ये फोल्डर हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो हमने फोल्डर बनाया है खाली फोल्डर है इस वक्त, इसके अंदर कुछ भी नहीं है. ये देखें यहाँ पर ये फोल्डर आ चुका है. इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसको कर लेते हैं जूम. जूम करने के लिए आप कंट्रोल प्लस बटन को यूज कर सकते हैं, तो ये जूम हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पर फोल्डर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर इस वक्त खाली है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा. तो कोई भी फोल्डर तो कोई भी फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ये प्लस का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे. मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर lecture10.html, क्योंकि ये HTML की फाइल है. तो एंटर कर लेंगे तो ये देखें ये फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है हमारी. अब HTML के अंदर वर्किंग स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को पता है हम एक कोड इंसर्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे तो यहाँ पर हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा इस तरह से. उसके बाद बॉडी के टैग के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, हेडिंग 1 लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेलकम, वेलकम टू द चैनल इन्फोनेट. उसके बाद फिर नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं कोई इमेज लगा लेता हूँ, इमेज का टैग लगा लेते हैं और फिर SRC डबल कोटेशन के अंदर हम लोग इमेज का नाम लिखेंगे. लेकिन यहाँ पर इस वक्त कोई भी इमेज इस फोल्डर में हमने नहीं रखी है. सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर हम कोई तस्वीर लेकर आएंगे कॉपी करके. अब वो किस तरह ले आएंगे, मैं अपने डिवाइस में से कहीं और से यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर तस्वीर ले आऊँगा. तो मैं यहाँ से ये वाली तस्वीर उठा लेता हूँ, इसको कर लूँगा कॉपी. इसको कॉपी करने के बाद वापस हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे जो हमने अभी फोल्डर बनाया था. ये देखें ये फाइल हमने यहाँ पर क्रिएट की थी, ये फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है, यहीं पर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लूँगा अपनी तस्वीर को. तो इस तस्वीर का जो नाम होगा और जो इसके सामने इसका टाइप लिखा हुआ होगा वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे SRC डबल कोटेशन के अंदर. ये देखें यहाँ पर हम इस फोल्डर में तस्वीर कॉपी करके ले आए हैं, तो यहाँ पर भी वो तस्वीर आ गई है, शो हो रही होगी आप लोगों को. तो यही नाम हम लोगों को यहाँ पर रखना है, तस्वीर का नाम क्या है, 1. ये देखें यहाँ पर सजेशन भी आ गई है, अगर आप लोग नाम सही लिखेंगे तो यहाँ पर VS कोड एडिटर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर सजेशन भी दे देता है. तो इसी तरह से आप लोगों को नाम लिखना है 1.png. उसके बाद इसको आप लोग अल्ट को फिलहाल हटा दें, हमारा इससे कोई काम नहीं है फिलहाल. इसको सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद हम इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे और अपने वेब पेज के ऊपर चले जाएंगे. देखते हैं कि वेब पेज हमारा किस तरह नज़र आ रहा है. तो ये वेब पेज हमारा ओपन हो गया है, तस्वीर कुछ ज़्यादा ही बड़ी है तो इसको हम सेट कर सकते हैं. यहाँ पर इसकी आप लोग कोई भी विड्थ यहाँ पर हाइट कोई भी एक प्रॉपर्टी से आप लोग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं. तो मैं विड्थ यहाँ पर इसकी कम कर लेता हूँ, 500 पिक्सल करके चेक कर लेते हैं. ये देखें अब तस्वीर कुछ बेहतर हो गई है. अब यहाँ पर एक और काम कर लेता हूँ, इसको सेंटर पे कर लेते हैं और उसका आसान तरीका जो है सेंटर का टैग लगा लेता हूँ यहाँ पर.
सेंटर का टैग हम यहाँ पर लगा लेंगे और नीचे इसका क्लोजिंग टैग लगा लूंगा यहाँ पर, तो ये अब जो भी होगा ये सारा हमारा सेंटर पे आ जाएगा। तो अब एक चीज आप लोगों ने यहाँ पर नोट की होगी कि तस्वीर लगाने के लिए मैंने क्या किया, मैं इस तस्वीर को इस फोल्डर के अंदर लेकर आया हूँ। तो एक और तरीका है, मैं आप लोगों को वो भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फोल्डर हमारा बना हुआ है इसके अंदर एक और फोल्डर भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं और अपने डिवाइस के अंदर जाकर भी न्यू फोल्डर बना सकते हैं। तो मैं यहीं से बना लेता हूँ। यहाँ पर न्यू फोल्डर का ये आप लोगों को प्लस का साइन नजर आ रहा होगा सेकेंड नंबर पे, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू फोल्डर का नाम पूछेगा आपसे। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, फोल्डर टू नाम दे देता हूँ, फॉर सपोज आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको एंटर कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो तस्वीर मैंने यहाँ पर रखी थी इस तस्वीर को मैं यहाँ से उस फोल्डर के अंदर मूव कर लूँगा। यहाँ से आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं उस फोल्डर के ऊपर, या फिर आप अपनी डिवाइस में जाकर भी कर सकते हैं। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू मूव 1.png इंटू फोल्डर टू? येस मूव। इसको जैसे ही मैं मूव पे क्लिक करूंगा, अब क्या हुआ है, अब ये जो तस्वीर हमारे बाहर फोल्डर में पड़ी थी वो अंदर जो हमने नया फोल्डर पड़ा है उसके अंदर मूव हो चुकी है। ये देखें, इस फोल्डर को मैं क्लोज करूंगा तो ये देखें, ये तस्वीर भी इसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। इसको आप डिवाइस में जाकर भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा फोल्डर था, देखें इसके अंदर एक और फोल्डर आ चुका है और वो जो तस्वीर थी वो इसके अंदर जा चुकी है। तो अब मैं जो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि अब अगर हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर जाएं तो हमारा वेब पेज किस तरह दिखेगा। चलते हैं वेब पेज के ऊपर। ये देखें, ये तस्वीर यहाँ से गायब हो चुकी है। क्यों गायब हो चुकी है? यहाँ पर थोड़ा एरर आ गया। अब कौन सा एरर आ गया है? अब हुआ ये है कि हमने जो पहले तस्वीर लगाई थी वो तस्वीर पड़ी हुई थी डायरेक्ट इसी फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर हमारी ये वाली फाइल पड़ी हुई है lecture10.html वाली। अब क्या हुआ, उस तस्वीर को हमने उसके अंदर एक दूसरा फोल्डर बना के उसके अंदर रख दिया है। बल्कि इस फोल्डर को मैं एक और नाम दे देता हूँ ताकि काम करने में थोड़ा और आसानी हो जाए। इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेजेस। अब अगर इस तरह की सिचुएशन हो आप लोगों के पास, एक फोल्डर हो आप लोगों का, उसके अंदर एक दूसरा फोल्डर हो जिसके अंदर इमेजेस पड़ी हुई हो, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जैसे आपने 1.png दिया था, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पर आप लोगों को इस तस्वीर का पाथ बताना पड़ता है। पाथ क्या बताना पड़ता है, जैसे यहाँ पर एक फोल्डर है, सबसे पहले आप लिखेंगे इस फोल्डर का नाम इमेज। ये देखें यहाँ पर सजेशंस भी दे रहा है इमेजेस। अब फोल्डर का नाम क्या है? इमेजेस। कंप्लीट नाम लिखेंगे, नाम आप लोगों को एक्यूरेट लिखना है, थोड़ी सी भी स्पेलिंग की मिस्टेक होगी आप लोगों की तस्वीर अपलोड नहीं होगी। उसके बाद जैसे यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, सजेशन दे रहा है, वैसे ही हम लोगों ने क्या करना है, ये इमेजेस के आगे क्या लगा हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि एक और होता है जिसको हम बैकवर्ड स्लैश कहते हैं। बैकवर्ड स्लैश जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ये देखें। तो यहाँ पर हमें बैकवर्ड स्लैश नहीं लगाना बल्कि फॉरवर्ड स्लैश लगाना है इस तरह से। देखें, जैसे ही मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया तो उसके अंदर जो तस्वीर पड़ी हुई है वो खुद ही वो सजेस्ट कर रहा है कि भाई अगर आप लोग ये तस्वीर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। तो भाई बिल्कुल मैं ये तस्वीर लगाना चाह रहा हूँ, तो आप लोग इसका नाम यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 1.png यहाँ पर लिखें, या फिर इसको क्लिक कर लें। एक ही बात है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1.png। अब हमने जो इसका यहाँ पर SRC के अंदर जो नाम दिए तस्वीर का, उसके अंदर एक फोल्डर का नाम भी दिया है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाया, उसके बाद उस तस्वीर का नाम दिया। अब इसको जब आप सेव करके और वेब पेज के ऊपर जाएंगे तो अब देखें ये तस्वीर यहाँ पर अपीयर हो गई है। तो ये एक एरर हो गई थी अगर आप लोगों के दूसरे फोल्डर में इमेज पड़ी हुई तो, लेकिन ये वो फोल्डर जो दूसरा है वो फोल्डर भी आप लोगों का जो मेन फोल्डर है उसके अंदर ही होना चाहिए। अब मेन फोल्डर हमारा कौन सा है? lecture10 के नाम से है। उसके अंदर एक और फोल्डर है जो कि इमेजेस के नाम से है, जिसके अंदर आप लोग मुख्तलिफ तस्वीरें रख सकते हैं जो कि आप बाद में यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये एक चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इमेज अगर दूसरे फोल्डर में पड़ी हो उसी मेन फोल्डर के अंदर, तो वो आप किस तरह से इसके अंदर लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक और चीज़ देखी थी, लिंक लगाना। अब लिंक किस तरह लगाते हैं? एंकर टैग के अंदर हम href equals to डबल कोटेशन के अंदर हम कोई भी लिंक लगा सकते हैं यहाँ पर। अब फॉर सपोज फिलहाल मैं इंटरनेट से कोई लिंक ले लेता हूँ, मैं गूगल की लिंक लगा लेता हूँ यहाँ पर, google.com। तो मैं यहाँ से आगे इसकी लिंक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी लिंक करके। आप लोग डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं https://www.google.com, ये आप लोग डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन मिस्टेक ना हो जाए इसलिए मैंने वहाँ से जाके कॉपी की है। अब एंकर टैग के अंदर हम लोग कोई भी कोई चीज़ लिख सकते हैं जिसके अंदर जो टेक्स्ट अपीयर होगा, जिस पर हम क्लिक करें तो गूगल जो है गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्लिक हेयर फॉर गूगल। इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे वेब पेज के ऊपर, अच्छा ये तस्वीर के साथ आ गया है। इसको अगर मैं नीचे लेकर जाना चाहूँ तो यहाँ पर क्या करूँगा आप बताएं, br का टैग लगाऊंगा यानी लाइन ब्रेक करूँगा तो ये न्यू लाइन पर आ जाएगा। ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी।
अब ये तो थी डायरेक्ट लिंक जो इंटरनेट के ऊपर जाकर खोल रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि अपना कोई दूसरा वेब पेज यहाँ पर जो मेरे कंप्यूटर के अंदर वेब पेज बना हुआ इस तरह से, जैसे ये HTML की फाइल बनी हुई है, ये वेब पेज के ऊपर ओपन हो रहा है, इस तरह से मैं एक और वेब पेज भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। अब वो किस तरह लगाते हैं वो देख लेते हैं। इसके नीचे मैं इसको लाइन ब्रेक का टैग लगा लेता हूँ ताकि न्यू लाइन पर चले जाएं हम। इसी तरह हम लोग एंकर टैग लगाएंगे, एंकर टैग के अंदर हम लोग HREF के अंदर हम लोग वो लिंक लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं लिंक लगाऊंगा वो लिंक मैं लगाऊंगा उस फाइल की जो कि मेरे कंप्यूटर डिवाइस के अंदर पड़ा हुआ है, वो भी एक HTML का फाइल है, एक वेब पेज का फाइल है। तो चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर, देखते हैं वो कौन सा फाइल है। तो यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर के अंदर आ जाता हूँ, और आप लोगों को याद होगा कि शुरू में हम लोगों ने स्टार्ट में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने हाइपरलिंक लगाना, इमेजेस लगाना और वेबसाइट बनाना बताया था आप लोगों को। तो ये उसका फोल्डर है सैंपल वेबसाइट के नाम से, इसके अंदर जाएंगे तो ये उसकी HTML की फाइल है, और ये उसके अंदर जो हमने अटैचमेंट्स किए हैं, तस्वीरें वगैरह लगाई हैं, ये वो यहाँ पर उसके साथ पड़ी हुई हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो वेबसाइट में अपने अभी ये जो मैंने यहाँ पर HTML फाइल बना रहा हूँ इसके अंदर इस वेब पेज के ऊपर, यानी यहाँ पर ये जो वेब पेज नजर आ रहा है इसके अंदर मैं इसका लिंक लगाऊं, ताकि जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो गूगल खुल रहा है, तो नीचे एक लिंक लगाऊं जिसके ऊपर क्लिक करूं तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाए। अब इसको अगर मैं यहाँ से ओपन करूं तो ये वेबसाइट ओपन भी हो जाएगी। तो ये वो वेबसाइट थी जो हम लोगों ने शुरू में बनाई थी, उसके अंदर फिर बाद में हमने टेबल बनाई थी और बाकी की लिंक्स लगाई थी। तो ये अभी लोड सही नहीं हुई इसलिए नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को यहाँ पर। अगर इसको मैं रीलोड करूँगा तो यहाँ पर ये देखें, इस टेबल के अंदर एक वीडियो लगाई थी, एक मैप लगाई, तो इस तरह की ये वेबसाइट थी। अब मैं चाहता हूँ कि इसका लिंक मैं वहाँ पर लगा दूँ, तो किस तरह लगाऊंगा, फिलहाल इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। वापस फोल्डर में आ जाते हैं। तो अब जो भी आप लोगों को वेब पेज लिंक करना हो उसकी पूरी वर्किंग जो है जिस भी फोल्डर में हो आप लोगों को वो फोल्डर कॉपी करना होगा पूरा का पूरा। अगर फॉर सपोज आप लोग सिर्फ ये कॉपी करेंगे HTML की फाइल, तो इसके साथ जो भी आप लोगों ने अंदर इसके वेब पेज के ऊपर लगाया होगा, जैसे ये यहाँ पर इसका डेटा पड़ा हुआ है सारा, ये अगर आप लोग कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ ये फाइल कॉपी करके आप लोग उस फोल्डर के अंदर रखेंगे, तो ये आप लोगों की जो वेबसाइट वेब पेज होगा वो सही से नहीं खुलेगा, वो एरर के साथ खुलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फोल्डर है मैं बैक चला जाता हूँ और ये पूरा फोल्डर जो है मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। इसको कॉपी करने के बाद हम आज वाले फोल्डर में चले जाएंगे, यानी लेक्चर नंबर 10 वाला जो फोल्डर है इसके अंदर आकर इस पूरे फोल्डर को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ये देखें, ये सैंपल वेबसाइट के नाम से यहाँ पर फोल्डर कॉपी हो चुका है। अब VS कोड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये इस तरह से नजर आ रहा होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी था सैंपल वेबसाइट डॉट HTML की फाइल और उसके साथ जो तस्वीरें थी वो सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को नजर भी आ जाएगा। अब जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जैसे यहाँ पर इमेज लगाई थी, वो इमेज भी क्या था, एक दूसरे फोल्डर के अंदर थी। उसको लगाने का तरीका आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हमने फोल्डर का नाम लिखा, उसके बाद ये स्लैश लगाया, उसके बाद हमने उसका तस्वीर का नाम लिखा। तो बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम आप लोगों को क्या करना है, HREF इक्वल्स डबल कोटेशन के अंदर जैसे हम लिंक लगाते हैं वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर पाथ देना है। किसका पाथ देना है, ये जो हम लिंक करना चाह रहे हैं HTML की फाइल सैंपल वेबसाइट डॉट HTML, इसका पाथ हमें यहाँ पर देना है। अब इसका पाथ कैसे देंगे, बिल्कुल इसी तरह से सबसे पहले फोल्डर का नाम लिखेंगे, फोल्डर का क्या नाम है, सैंपल वेबसाइट। सैंपल वेबसाइट जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया यहाँ पर सजेशन भी दे दी है इसने, तो सजेशन को ही क्लिक कर लेते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से सेम नाम लिखना है फोल्डर का, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश देनी है। जैसे ही यहाँ पर मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा दी तो आप लोग देखें यहाँ पर जो जो इसके अंदर फोल्डर की चीज़ें पड़ी हैं वो यहाँ पर सजेशन के अंदर दे रहा है। तो मुझे क्योंकि यहाँ पर HTML की फाइल लगानी है तो आप लोग यहाँ पर मैन्युअली भी लिख सकते हैं, बिल्कुल वही नाम लिखेंगे, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में लिख लें ताकि कोई एरर ना आए, एरर आने के चांसेस कम हो जाएं। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग सैंपल वेबसाइट डॉट HTML लिखेंगे। अब इस एंकर टैग के अंदर कोई टेक्स्ट हमें लिखना होगा ताकि वो लिंक वहाँ पे अपीयर हो जाए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्लिक हेयर फॉर अनदर वेब पेज, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, मैं वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये लिख लेता हूँ वेब पेज। तो यहाँ पर सेव करना पड़ेगा, उसके बाद हम अपने वेब पेज के ऊपर जाएंगे। ये देखें यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर अनदर वेब पेज। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, तो वो वाली वेबसाइट ओपन हो गई जो हमने दूसरे HTML के फाइल के अंदर बनाई थी। तो इस तरह से आपको जितनी भी फाइल्स अटैच करनी है HTML की फाइल्स आप लोग अटैच कर सकते हैं, वेब पेजेस अटैच कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक एक चीज़ तो आप लोगों की क्लियर हो गई होगी कि आपने जो वर्किंग की हुई है किसी भी डिवाइस में या किसी भी फोल्डर में, अगर आप लोगों को वो ट्रांसफ़र करनी हो या वो शिफ्ट करनी हो किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो आप लोग कोई भी HTML की एक फाइल उठाकर कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे।
यहाँ जिस तरह यहाँ पर आप लोगों की ये फाइल है, इस तरह आप लोग एक फाइल नहीं उठाएंगे बल्कि पूरा फोल्डर आप लोग उठाएंगे जो हमने यहाँ पर ये लेक्चर 10 के नाम से फोल्डर बनाया है। तो अब हम आ जाते हैं आज के दूसरे टॉपिक की तरफ कि ये फोल्डर अगर आप लोग दूसरी डिवाइस में मूव करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, इस पूरे फोल्डर को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप लोग अगर यूएसबी लगी हुई है तो यूएसबी के थ्रू आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर एक लोकल डिस्क से दूसरी लोकल डिस्क में जाकर किसी भी चीज के अंदर आप लोग वहां पर पेस्ट करके ओपन कर सकते हैं। तो अभी यूएसबी तो नहीं लगी हुई, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ और उसका नाम मैं यूएसबी रख लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये पूरा फोल्डर कॉपी करके रखूँगा। अब अगर आप लोग सिर्फ ये वाली फाइल कॉपी करके उस फोल्डर के अंदर लेकर जाएंगे तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं। अब इस फाइल के अंदर हम लोगों ने ये देखें, ये वाली फाइल यहाँ पर खुली हुई है, इसके अंदर हम लोगों ने जो जो वर्किंग की। अब मेन फाइल तो हमारी यही है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको अगर हम यहाँ पर कॉपी करें और इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर यूएसबी में, अगर फॉर सपोज आप लोगों की यूएसबी कनेक्टेड है और यूएसबी के थ्रू आप लोग ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो यूएसबी में आप इसको अगर पेस्ट कर लेंगे और फिर पेस्ट करने के बाद यूएसबी से अपने डिवाइस में ट्रांसफर कर लेंगे, तो फिर आप जैसे ही आप लोग ये चीज ओपन करेंगे, देखें मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ तो देखें किस तरह ओपन हो रहा है, देखें एरर्स आ गए, तो काफ़ी फ्लॉज आ जाएंगे, काफ़ी डिफेक्ट्स आ जाएंगे यहाँ पर आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर। देखें अब देखें ये जो दो लिंक्स लगाई हुई हैं, अब आप लोग बताएं कौन सी लिंक यहाँ से ओपन होगी और कौन सी नहीं होगी। जी बिल्कुल, ये जो एन अदर वेब पेज वाली लिंक है ये लिंक यहाँ पर ओपन नहीं होगी। ये देखें यहाँ पर फ्लॉज आ गए हैं, ये जो हमने लिंक लगाई हुई है इसका कोई सोर्स नहीं रखा हुआ है इस फोल्डर में, हमने सिर्फ एक ही फाइल कॉपी करके रखी हुई है, तो ये कैसे ओपन होगी। जबकि ये जो डायरेक्ट लिंक हमने इंटरनेट वाली लिंक लगाई हुई है, क्योंकि ये इंटरनेट की लिंक है, तो अगर आप लोगों का इंटरनेट चल रहा होगा तो फिर ये आप लोगों की लिंक गूगल वाली ओपन हो जाएगी और गूगल की वेबसाइट यहाँ पर आप लोगों की इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो इसलिए इसका जो राइट वे होता है वो यही होता है कि आप क्या करेंगे, ये फाइल कॉपी नहीं करेंगे, इसको मैं डिलीट कर लेता हूं, बल्कि आप क्या करेंगे ये पूरा यहां से फोल्डर उठाएंगे, फोल्डर कॉपी करेंगे, यूएसबी के अंदर मूव करेंगे और यहां पर आप इसको पेस्ट कर लेंगे। अब अगर आप इसके अंदर जाएंगे और लेक्चर 10 अगर आप लोग ओपन करके देखेंगे तो आपकी जो वेबसाइट होगी, वेब पेज होगा, वो कंप्लीट ओपन हो जाएगा। अब ये जो लिंक लगाई है आपने ये भी ओपन हो जाएगी, ये देखें ये बिल्कुल फ्लॉलेसली ओपन हो रही है, कोई भी इसमें अभी डिफेक्ट्स नहीं आ रहे। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर ये जो लिंक, ये जो वेबसाइट लिंक की हुई थी वेब पेज, ये भी देखें इसका फोल्डर भी पूरा पड़ा हुआ है, तो इस तरह से आप लोग ये देखें ये इमेज भी इसी के अंदर पड़ी है, तो ये कंप्लीट फोल्डर जब आप ट्रांसफर करेंगे तो कोई भी मसला नहीं होगा। अब फोल्डर ट्रांसफर करने के भी तरीके होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये फोल्डर कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर यूएसबी के अंदर रख दिया है, इस तरह से भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका होता है आप लोग इसको कंप्रेस करके, यानी विनर के अंदर या फिर जिप के अंदर आप लोग इसको कंप्रेस करके भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब जो प्रोफेशनल वे होता है वो यही होता है कि आप लोग इसको कंप्रेस करके कॉपी करते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड जो तरीका चलता आ रहा है वो यही एक प्रोफेशनल तरीका है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आज का जो हमारा थर्ड टॉपिक है उस पर मूव कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह ये वर्क करता है। तो जब आप लोग अपने फोल्डर को कंप्रेस कर लेंगे तो वो फोल्डर ट्रांसफर करना भी इजी हो जाता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, और फिर वो शेयर करना भी आसान हो जाता है। जैसे आप लोग फॉर सपोज व्हाट्सएप पे शेयर करना चाह रहे हैं, या फिर आप लोग ईमेल के अंदर शेयर करना चाह रहे हैं, या फिर कहीं पे भी आप लोग ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू शेयर करना चाह रहे हैं तो भी आसान हो जाता है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि फोल्डर कंप्रेस किस तरह होता है। तो अब यहाँ पर ही देख लेते हैं, जब मैं इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पर आप लोगों को ये किताबें नज़र आ रही, बुक्स की आइकन नज़र आ रही है। यहाँ पर ये तीन चार ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस जो हैं ये विनरर या फिर जिप जब इंस्टॉल होता है आपके कंप्यूटर के अंदर तभी ये आप लोगों को राइट क्लिक करने पे ये ऑप्शन शो होते हैं। जैसे ही मैंने इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक किया तो ये ऑप्शंस यहाँ पर शो हो रहे होते हैं इस तरह से। अब इन चारों ऑप्शंस में से एक ये वाला जो ऑप्शन है एड टू लेक्चर 10.rar, जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा फोल्डर है इसका एक और फोल्डर बन जाएगा जो कि एक और फॉर्मेट के अंदर बन जाएगा, जिसको हम WinRAR या फिर RAR भी कह सकते हैं। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा एड टू लेक्चर 10.rar, तो देखे क्या होता है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कन्वर्ट करना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग हुई, उसके बाद ये देखें यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ ही एक और फोल्डर बन गया। अब इसका आइकन चेंज है, इसका मतलब ये है कि इसका टाइप जो है वो चेंज हो चुका है। अगर आप लोग डिटेल में जाएंगे तो ये देखें सामने आपके WinRAR लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये अभी कंप्रेस हो चुका है।
अब जो लोग कंप्यूटर यूज करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली तो उनको तो पता होता है कि ये क्या होता है। जिनको नहीं पता उन लोगों को बताता चलूं, वैसे तो ये कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है, विनरार जो सॉफ्टवेयर है या फिर जिप जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर होता है। पर अगर आप लोगों के कंप्यूटर में ये नहीं है इंस्टॉल और अगर आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑप्शंस नहीं आ रहे, तो आप लोगों को ये चीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब ये इंस्टॉल किस तरह करते हैं, आप लोगों को इंटरनेट पर जाना पड़ेगा, गूगल क्रोम पे या किसी भी ब्राउजर पे जाकर, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, ये देखें यहाँ पर मैं न्यू टैब में आकर यहाँ पर लिख लेता हूँ डाउनलोड विनरार। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये सबसे पहले ऊपर जो लिंक आ जाएगा इसके ऊपर जब चले जाएंगे तो आप लोगों के पास विनरार की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके अंदर डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आप लोग क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप लोगों के डाउनलोड्स फोल्डर में कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा, उसके अंदर जाकर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर आएंगे, फोल्डर जो भी आपको कंप्रेस करना हो उसके ऊपर आकर राइट क्लिक करेंगे। अब ये याद रहे आप लोगों को कि ये मेन फोल्डर होना चाहिए, इसके अंदर आप लोगों की सारी वर्किंग होनी चाहिए। उस फोल्डर के बाहर जाकर आप लोग मेन फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, एड टू लेक्चर, या फिर आप लोगों का जो भी फोल्डर का नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, डॉट रार आखिर में आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया उसी नाम का एक फोल्डर बन जाएगा यहाँ पर, जो कि विनरार फॉर्मेट में होगा। तो अब आप जब इस फाइल को कहीं और ट्रांसफर करेंगे किसी और डिवाइस में या फिर इसको शेयर करेंगे इंटरनेट के ऊपर, आप लोग जीमेल में जाकर इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको सेंड करेंगे या फिर व्हाट्सएप के अंदर जाकर इसको आप लोग सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद आप लोग दूसरी डिवाइस में जब इसको डाउनलोड करेंगे तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगा। इसको फिलहाल मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो जब इसी फॉर्मेट के अंदर आप लोगों की ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो इसको आप लोग ओपन कैसे करेंगे ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने इसके ऊपर जाकर राइट क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों के पास एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट फाइल्स या फिर एक्सट्रैक्ट हेयर, आप लोगों को बेहतर ये है कि एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करें। तो जब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर का मतलब ये है कि इसी फोल्डर के अंदर ये जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा फोल्डर। अब किस तरह एक्सट्रैक्ट होता है यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं। इस पर जब हम राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये फोल्डर आप लोगों का यहाँ पर बन चुका है। तो इसको आप लोग नॉर्मल फोल्डर की तरह यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोग जाकर देखेंगे तो वही सेम फाइल्स होंगी जो आप लोगों ने ट्रांसफ़र की थी दूसरे कंप्यूटर से या फिर शेयर की थी। तो इसको कंप्यूटर में भी इसी तरह कर सकते हैं या फिर अगर आप लोगों ने किसी मोबाइल में इसको ट्रांसफ़र किया है तो मोबाइल में भी इसी तरह आप लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है तो मोबाइल में भी इसी तरह ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट का। तो मोबाइल में भी आप पूरा का पूरा फोल्डर इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो पूरा फोल्डर आ जाएगा, उसके अंदर आप जाएंगे तो इसी तरह से उसके अंदर फाइल्स होंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात मोबाइल पे काम करने वालों को बताता चलूँ कि जो मोबाइल पर कोडिंग कर रहे हैं उन लोगों को बताता चलूँ कि इस वीडियो में मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें आप लोग मोबाइल के अंदर भी उसी तरह से करेंगे जो चीज़ें मैंने यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर बताई हैं। कोई भी फर्क नहीं है, मोबाइल के अंदर भी बिल्ट इन कंप्रेस का ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पर आप लोगों के पास कंप्रेस का ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल में इस तरह के ऑप्शंस ज्यादा नहीं होते, तकरीबन जो होता है वो ये सिर्फ कंप्रेस का ही ऑप्शन होता है। तो आप लोगों को कंप्रेस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का जिप या फिर रार में आप लोगों के पास फोल्डर बन जाएगा इस फॉर्मेट के अंदर। तो बिल्कुल इसी तरह से बनेगा जैसे मैंने यहाँ पर कंप्यूटर में आप लोगों को बताया, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके का था फोल्डर्स को शेयर करने का। आप लोगों ने जो भी काम किया है वेब पेज का उसको किस तरह शेयर कर सकते हैं ये मैंने आप लोगों को समझाया है। आप लोग कंप्रेस करके फाइल को शेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों की आज की असाइनमेंट भी यही होगी, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जो जो वर्किंग की है, जो भी आप लोगों के मोबाइल में या फिर आप लोगों के कंप्यूटर में फोल्डर्स पड़े हुए हैं इसी तरह से आप लोगों ने फोल्डर्स बनाने हैं, लिंक करनी है। कम से कम एक और वेबसाइट जिस तरह मैंने यहाँ पर ये सैंपल वेबसाइट इसके साथ लिंक की है HTML के अंदर, ऐसे ही आप लोगों ने लिंक करनी है। फिर उसी तरह से आप लोगों ने फोल्डर्स बनाने हैं, फोल्डर बनाने के बाद आप लोगों ने मेन फोल्डर को कंप्रेस करके मुझे आप लोगों ने इस ईमेल पर सेंड करना है चेक करवाने के लिए। यहाँ पर जैसे एज यूएल में आप लोगों को हमेशा वेलकम करता हूँ डिस्कशन के लिए। ये ईमेल एड्रेस आप लोगों के पास स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस ईमेल एड्रेस पर आप लोग मुझे अपना काम भी चेक करवा सकते हैं, असाइनमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप लोग वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।